हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय ट्यूशन रोशनी की पाठशाला। डेली घंटे ऑफ के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां रैंक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी की है और इसके आधार पर जो है टेक्निकल प्रोडक्ट साइबर अटैक और जबरन वसूली डाटा स्कैनर फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग को जो है आधार टॉपिक पे लिया गया है और इसके अनुसार जो है स्कोर निकाला गया है। ठीक है, रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत का 10वां नंबर है और टॉप 10 देश आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर रूस है, उसके बाद यूक्रेन है, तीसरे नंबर पर चीन है, अमेरिका है चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर नाइजीरिया है, छठे नंबर पर रोमानिया, सातवें नंबर पर है नॉर्थ कोरिया, आठवें नंबर पर है ब्रिटेन, नौवें नंबर पर है ब्राजील और 10वें नंबर पर है भारत। आपको याद करना है पहला और 10वां, ठीक है, और इसकी स्कोर याद करनी है। ठीक है, रूस का स्कोर कितना है 58.39 और भारत का है 6.13 स्कोर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रोइन कंपनी बनी है। सिट्रोइन फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसकी स्थापना की गई थी 1919 में और सिट्रोइन इंडिया का हेडक्वार्टर है त्रिवल्लूर चेन्नई में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विश्व एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान में किया गया है। और 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 11 से 16 अप्रैल 2024 तक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की गई है और 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के पहले दिन ही भारतीय पुरुष पहलवानों ने 3 पदक हासिल कर लिए हैं, जिसमें से एक रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। एक रजत पदक किसने हासिल किया है क्वेश्चन पूछा जाए तो उदित ने 57 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता है, अभिमन्यु ने जो है 70 किलोग्राम पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है और विक्की ने 97 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हम बात करें किर्गिस्तान की, किर्गिस्तान की कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। किर्गिस्तान से सीमा साझा करने वाले देश आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है अपनी सीमा साझा करते हैं किर्गिस्तान के साथ। ये मध्य एशिया में स्थित एक देश है, राजधानी है बिश्केक, राष्ट्रपति है सदिर जपारो और किर्गिस्तानी सोम है मुद्रा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंडी कैमरून बनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व सीईओ लिंडी कैमरून को भारत में यूके की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जो है इराक और अफगानिस्तान जैसे संघर्ष क्षेत्रों में सेवा भी अपना जो है दे चुकी हैं और लिंडी कैमरून की नियुक्ति यूके भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस देश ने रूस यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष को समाप्त कर शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने जो है आमंत्रित किया है शांति वार्ता के लिए। स्विट्जरलैंड ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्र प्रमुखों के स्तर पर एक सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखने की घोषणा की है। 15 से 16 जून 2024 को इस कॉन्फ्रेंस की आयोजन की जो है तारीख प्रस्तावित की गई है। लगभग 120 देशों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें से भारत को भी जो है आमंत्रित किया गया है 120 देश में से। और उद्देश्य क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? शांति प्रक्रिया के लिए एक ठोस रोड मैप बनाना है। स्विट्जरलैंड की हम बात करें, स्विट्जरलैंड से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। राजधानी बर्न है, मुद्रा है स्विस फ्रैंक, राष्ट्रपति है वियोला एमहर्ट। यहाँ पे आप स्विट्जरलैंड की पोजीशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पीजो इलेक्ट्रॉनिक वॉन कनेक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमांड अस्पताल पुणे बना है। पीजो इलेक्ट्रॉनिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट सिस्टम श्रवण बाधित रोगियों और मिश्रित श्रवण हानि एक कान का भरापन वाले रोगियों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कमांड हॉस्पिटल पुणे आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के प्रमुख संस्थाओं में से एक है। हालांकि इसमें जो है कमांड हॉस्पिटल में पुणे को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के रूप में रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जेएनयू की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी रैंक है 20वां।
तो क्वाइट क्लियरली साइमंड्स यानी कि क्यूएस ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की है। इस रैंकिंग में भारत के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू को विश्व के सर्वोच्च रैंक वाले विश्वविद्यालय में 20वां स्थान दिया गया है। टोटल जो है कितने संस्था इसमें पार्टिसिपेट किए थे, 1,559 संस्थाओं ने जो है शामिल हुए थे इस रिकॉर्ड में, जिसमें से जेएनयू को मिला है 20वां स्थान। और की वेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 69 भारतीय विश्वविद्यालय अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं। आईआईएम अहमदाबाद को 22वां स्थान मिला है और चेन्नई में श्वेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस ने इंडस्ट्री प्रोग्राम के लिए वैश्विक स्तर पर 24वीं रैंकिंग हासिल की है। सक्सेस ससेक्स और विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और SOAS लंदन विश्वविद्यालय दुनिया में इस सूची में शीर्ष पर हैं। तो यह जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्यूएस की। क्यूएस की जो है फुल फॉर्म है क्विक फ्रेली साइमंड। ये जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है तैयार करता है। तो क्यूएस एक उच्च शिक्षा विश्लेषक और सेवा प्रदाता है जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को 5 प्रमुख चुनौतियों का समाधान प्रदान करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई फॉग ब्रिज किस जिले में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है लखनऊ में बनाया गया है, सॉरी चित्रकूट में बनाया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला जो है ग्लास स्काई वॉक ब्रिज जो है कहाँ पे बनाया गया है, चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के तुलसी जलप्रपात में जो है प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो है यह कुछ अलग ही शेप का है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस ब्रिज का निर्माण जो है वन और पर्यटक विभाग ने करवाया है, जो कि धनुष और बाण की जो है शेप में बनाया गया है। इसे गाजीपुर की पवन सूत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है और धनुष और बाण के आकार में बने ब्रिज में खाई की ओर बाण, जिसकी लंबाई है 25 मीटर और जबकि दोनों पिलर के बीच, ठीक है, दोनों पिलर के बीच जो है धनुष की लंबाई है यानी कि चौड़ाई जो है कितनी है, 35 मीटर है। इस ब्रिज की भार क्षमता जो है प्रति वर्ग मीटर में 500 किलोग्राम है। और तुलसी जलप्रपात जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। इस जलप्रपात का पहले का नाम जो है सबरी है। तो अभी हमने पढ़ा था ओम के आकार का, ठीक है, मंदिर, ठीक है, कहाँ पे बनाया गया था, राजस्थान के पाली में, ठीक है, पाली में बनाया गया है ओम के आकार का मंदिर, जो कि अभी दुनिया का सब मतलब कि दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो ओम के आकार का है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में मथुरा में बना यानी कि बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया गया है। त्रिनेत्र एक्ट 2.0 उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है और यूपी कैबिनेट ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। और मयू युवा योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है जिसमें परियोजनाओं के लिए जो है राशि जो है ऋण दी जाती है। और पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। और महामंडल महोत्सव आयोजित किया गया कहाँ पे, राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में। संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास भी किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुरारी लाल का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे एक पर्यावरणविद थे, सामाजिक कार्यकर्ता तथा सर्वोदय और चिपको आंदोलन के नेता। मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह चिपको आंदोलन के संस्था दसोली मंडल के अध्यक्ष थे। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन था, सभी को पता होगा, जो 26 मार्च 1973 को शुरू हुआ था। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनी गाँव में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन बड़े पैमाने पर पेड़ों को
काटने के खिलाफ चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और आज के लास्ट करंट अफेयर को देख लेते हैं। यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख कौन है, यानी कि कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण बजाज को जो है नियुक्त किया गया है। यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था और यह सदस्य कंपनियों को कर मुद्दों पर संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने की एक पहल है। अब आ रही है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम एडिशनल जीके देखेंगे। उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज का पहला क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में मनाया गया है, जो कि एक प्रकृति का जो है सुरक्षा करने का एक त्यौहार है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का तीसरा स्थान है। जल जीवन मिशन के तहत घर तक नल से जल पहुंचाने में पहला जिला कौन बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी तमिलनाडु। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश द्वारा सम्मानित किया गया है। पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में किया जाएगा। ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भारत के साथ कौन सहयोग करेगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन करेगा। होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई कैन कोच पुस्तक के लेखक कौन है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ राजशेखर है। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा NTPC लिमिटेड ने जो है किया है। अब आ रही है एडिशनल जीके की। आज की एडिशनल जीके में हम देखेंगे भारत और दुनिया में प्रथम, ठीक है, दुनिया की पहला डुअल मोड व्हीकल जापान बना है और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन चीन में जो है शुरू की गई है। ये रिपीट हुई है। भारत में पहली बार हाइड्रोजन बस सेवा लेह में शुरू की गई है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई है। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कोची में शुरू की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई है और भारत में के पहले हाइड्रोजन पर चलने वाला ट्रक कहाँ पे शुरू किया गया है, बेंगलुरु में। भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस नवी मुंबई से मुंबई तक जो है शुरू की गई है। तो ये थी भारत और दुनिया में प्रथम के लिस्ट, ठीक है, जो कि रिसेंटली अभी शुरू किया गया है, ठीक है। तो अब बारी है आपके क्वेश्चन की। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है क्लासेस लाते रहेंगे। साथ ही इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी अभी जो पढ़ाया हुआ है वही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको आंसर याद है तो आंसर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।